नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम हिंदी के अध्याय ग्यारह मेरे गांव के खेत में पाठ का अध्ययन करेंगे। ये पाठ एक कविता है। इस कविता में ग्रामीण परिवेश का वर्णन किया गया है, गांव के खेतों का क्या लाभ है और गांव के किस प्रकार से जीवन की जो शैली है वो कितनी सरल, प्रेममयी और सद्भाव और स्वच्छ वातावरण वाली है, ये इस कविता में बताया गया है। चलिए कविता को हम पहले वाचन करते हैं। खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में, पायल संग कुदाली चलती मेरे गांव के खेत में। यहाँ पर पायल यानी पैरों में पहना जाने वाला एक गहना होता है जो औरतें अपने पैर में पहनती है। कुदाली कहते हैं गेंती को, जो जमीन को खोदने के काम आती है। इसका अर्थ यह है, तो कवि गांव के खेतों का वर्णन करते हुए बताता है कि मेरे जो गांव है उनके खेतों में समृद्धि के गीत लिखे गए हैं, यानी कि परंपरा से गांव में खेती होती आ रही है और खेती से जो अनाज उत्पन्न होता है उससे समृद्धि होती है, यानी कि लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठता है। मेरे गांव के खेत में पायल के साथ कुदाली चलती है, अर्थात पायल पहनने वाली औरतें जो कोमल होती है वो भी कठोर कुदाली यानी कि गेंती को भी चलाती है, अर्थात महिलाएं भी खेतों में समान रूप से यानी कि पुरुषों के बराबर वो मेहनत करती है। कविता के अगले अंतरे में लिखा है, पानीदार कुओं पर चलते रहटों की आवाज जहां, धानी धरती के कण कण को दोरों की सौगात वहां। हरियाली ले फसल खड़ी है मेरे गांव के खेत में, खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में। पानीदार का अर्थ होता है पानी वाले, जिनमें पानी हो। रहट पुराने जमाने में कुएं पर पानी निकालने का एक यंत्र होता था, एक चक्री होती थी जिसे कुएं से पानी निकाला जाता था बेल के द्वारा। धानी का अर्थ होता है धान के रंग की, अनाज जो होता है उसके कलर की, उसके रंग की। दोरे आप जानते ही हो, खेत के जो दोरे होते हैं खेतों में पाई जाने पानी देने के लिए जो नालियां बनाई गई होती है, जिसको हमारे दोरी भी कहते हैं हमारे समाज में। सौगात यानी भेंट, उपहार। पानीदार कुओं पर चलते रहटों की आवाज़ जहां, कवि कहता है कि पानी वाले कुओं पर रहट की आवाज़ें आती रहती है, अर्थात खेतों को सींचने के लिए रहट से पानी निकाला जाता है। हरी भरी इस धानी धरती को पानी के धोरों के द्वारा ये पानी की भेंट दी जाती है, इससे खेतों में हरी भरी फसल की पैदावार होती है। मेरे गांव के खेत में खुशहाली के गीत लिखे गए हैं। कविता का तीसरा अंतरा है, बैलों के कंधों ने खींची हल्की फाल जहां हर बार, भर भर छकड़े धान के लाए मुस्काए जिनसे घर बार। रुनझुन कर रमझोल बजे हैं खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में। फाल का अर्थ होता है खेत में फसल को बीजने के लिए जो हल काम में लिया जाता है, उस हल में लगी
लोहे की जो नोक होती है उसको फाल कहा जाता है। छकड़ा, बैलगाड़ी को ही छकड़ा कहा जाता है। दान अनाज को कहते हैं, रमजोल कहते हैं गुंगरुओं की आवाज, गुंगरुओं की आवाज को रमजोल कहा जाता है। तो बेलों के कंधों ने खींची हल्की फाल जहां हर बार, यानी कि कवि कहता है कि जहां पर बेलों ने हल्की फाल को बार बार खींचा है, हल को बेल के पीछे ही जोता जाता है, अर्थात खेतों की जुताई की है, वहीं से बैलगाड़ियां भर भर कर अनाज घर पर आया है और साथ में खुशियां आई है। अनाज आता है तो खुशियां अपने आप आती है। इन खुशियों को प्रकट करने के लिए पैर थिरक उठते हैं, यानी कि पैर नाचने लगते हैं और गुंगरुओं की खनकती आवाजें आती है। मेरे गांव के खेतों में खुशहाली के गीत लिखे गए हैं। जहाँ नीम की डाली बैठी चिड़िया चहक चहक गाती, कभी धूल में नहा नहा कर बादल का संदेश सुनाती, बया घास के महल बनाती, मेरे गांव के खेत में खुशहाली के गीत लिखे हैं। मेरे गांव के खेत में जहाँ नीम की डाली पर बैठी हुई चिड़िया चहक चहक कर गाती है, कवि कहता है कि गांव की खुशहाली का वर्णन करते हुए कहता है कवि कि जहाँ पर नीम आदि पेड़ों की डालियों पर बैठकर चिड़िया चहकती है और चिड़िया धूल में नहाकर बारिश के आने का संकेत भी करती है। आपने भी सुना होगा कि कभी चिड़िया जब धूल में, रेत में, मिट्टी में नहाती है तो आपके बड़े बुजुर्ग कहते होंगे कि बारिश आने वाली है, यानी कि वो बारिश का संदेश सुनाती है। चिड़िया जब नहाती है तो ऐसा माना जाता है कि बारिश हो सकती है। बया घास के महल बनाती, बया नाम का जो पक्षी होता है वो घास के महल बनाती है, अर्थात घास के बहुत ही सुंदर घोंसले को वो बनाती है। बया जिस प्रकार से घोंसला बनाती है ऐसा कोई भी नहीं बना सकता, बहुत ही बारीकी से उसका घोंसला बनाया जाता है, वो स्वयं बड़ी मेहनत करके उस घोंसले को बनाती है और बिल्कुल सुरक्षित और एकदम सुंदर घोंसला बनाती है। काली पीली दोमट मिट्टी फसलें कई उगाती है, बिन बोए ही घास रूप में अपना प्यार लुटाती है, सन सन हवा बहे मतवाली, मेरे गांव के खेत में खुशहाली के गीत लिखे हैं। मेरे गांव के खेत में विद्यार्थियों, ये जो मिट्टी है वो अलग अलग तरह की होती है और अलग अलग तरह की मिट्टी में अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती है। काली पीली दोमट, इस प्रकार से ये मिट्टी की किस्म है। विभिन्न प्रकार की मिट्टी होती है जिसमें रबी और खरीफ की फसलें उगाई जाती है। खेतों में बिना बोए ही उगने वाली घास से ऐसा लगता है कि खेतों की मिट्टी अपना प्यार सब लोगों पर लुटा रही है। खेतों में सन सन करती ठंडी हवाएं चलती है तो मन बहुत खुश हो जाता है। मेरे गांव के खेत में खुशहाली के गीत लिखे गए हैं। प्रश्न उत्तर, पायल संग क्या चलती है? पायल संग कुदाली चलती है। दूसरा प्रश्न, खुशहाली के गीत कहाँ लिखे हैं? खुशहाली के गीत गांव के खेतों में लिखे गए हैं। प्रश्न तीन, बया किस से महल बनाती है? बया घास से
महल बनाती है। आगे लिखें का पहला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पानीदार कुओं पर चलते, आगे रिक्त स्थान है तो हम पाठ को देखते हुए लिखेंगे रहट की आवाज़ जहां। इसी प्रकार से शेष रिक्त स्थान भी आपको पाठ को देख करके, कविता को देख करके, उससे आगे वाली या पीछे वाली पंक्ति जो भी पूछी गई है वो आपको स्वयं भरनी है। प्रश्न दो, रहट किसे कहते हैं? खेतों की सिंचाई के लिए कुएं से पानी निकालने का एक यंत्र होता है जिसके पहिए में लोहे के डिब्बे लगे रहते हैं और वह कुएं से पानी भर भर कर ऊपर आते रहते हैं। इस तरह पानी खींचने का यंत्र रहट कहलाता है। आप इसका रहट का वीडियो भी देख सकते हैं, ये देखिए। इस पाठ के शेष बचे हुए प्रश्नों के उत्तर हम कल के वीडियो में देखेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।